तो फिर से यहाँ पर तरोताजा होकर नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ, नई रणनीति के साथ शुभकामनाएं अगले राउंड के लिए, दूसरे हाफ के लिए। डीजल के साथ मैच की शुरुआत, रति बॉल को मुका दिया है और यहां पर रोहित ने बॉल को छीन लिया है। बॉल को निकाल लिया गया वहां पर अंशु के द्वारा। अच्छा बचाओ रमन लकड़ा के द्वारा। गोल लाइन के सामने जाकर गोल को नियंत्रण किया, फिर से वापस ललित सिंघा के पास गोल। दूर से ये प्रयास था लेकिन काफी ऊंचा मार बैठे ललित। जर्सी नंबर 7 ने बॉल को निकाल दिया। कुना गई भागम के पास बॉल आई थी, भागम ने बॉल को बताना चाहा था, वहां पर रोशन ने सूरज ने बॉल को छीन लिया। काउंटर अटैक किया जा रहा है, सुंदर पास लेके फाउल साइड साइड से यहां गलत तरीके से विजय का ये फ्री किक बिल्कुल बहुत ही सही पोजीशन में अश्विन पूर्ति और अश्विन पूर्ति ने पाए ये किक की थी सीधे गोलकीपर बॉन के पास गोल और लंबा किक बॉन का। हेलो सुनाल के पास बॉल, सुनाल ने बॉल को बढ़ा दिया मनीष के लिए और फिलहाल रोहन ने फिर धीरे बॉल को बढ़ा दिया गया रोहन के पास। फिलहाल बॉल साइड करा दिया गया। लंबा क्लियर है आज बॉल बढ़ा दिया वापस मनीष के लिए। एक मौका तलाशते हुए यहां पर जब मसी के खिलाड़ी हंस के पास बॉल रवि सूरज अच्छा भी बहुत तेज गति से दी गई थी लेकिन बॉल को जो फ्रेम था उसमें नहीं रख पाया। बॉल बाहर कुणाल के लिए बहुत ही शानदार पास। गोलकीपर बॉल बाहर आया और आसानी के साथ बॉल को अपने कब्जे में लिया, बॉल को बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए। मुकेश ने बढ़ा दिया गोलकीपर पवन के लिए। सूरज मनीष के द्वारा ये टाइगर छोर पर बॉल को बढ़ाई गई है। अंश वहां पर है लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से यहां पर बढ़ने की कोशिश है अंश के पास भी लेकिन तो कवर किया गया, बॉल को क्लियर कर दिया गया।
हम लोगों के और यहाँ पर अच्छा निकाला है बॉल को लक्ष्मीकांत महतो का गोल है। बात बनो से बात और सीधे गोल में आप लोग मंच के तरफ आ जाए। स्वागत बहनों से मेरा आगत आग्रह है कि आप लोग मंच में आए तो स्वागत करने के लिए जो हमारी बहने हैं पूर्ति करिए लंबा पास यहाँ पर था जरूर रोहित सिंघा के लिए लेकिन गोलकीपर सामने आया पवन बॉल को हेडर भी दे रहे हिट कर दिया और तीर से यहाँ पर गोलकीपर के ऊपर से होकर गोल पोस्ट में डाल कुनाल समिति के मंच की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। लक्ष्मण मुंडा जी भी हमारे मंच पर उपस्थित हुए, हम उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे मार्गदर्शन आते रहेंगे। इसी बीच में आवाज देना चाहूंगा अब कल अपना के और नए मिलन कवाली को आप लोग तैयार हैं। हमारे अतिथि अंजनी सिंह जी का इस मंच की ओर से केंद्रीय सरना समिति की ओर से अजय के द्वारा क्लियरेंस हेडर के जरिए फिर से लेकिन इस बार गलत तरीका अपनाया उन्होंने खिलाड़ी को रोकने के लिए फाउल करा दिया गया। बोला ही है आगे बढ़कर साउंड वाले भाई राजू भैया कृपया आप मंच पर आए। ये दूसरा दोनों थी यहाँ पर जय मसीह कला परियातों के लिए आसानी के साथ बॉल को क्लियर किया पूर्ति ने। बड़ी बढ़त बना ली है और फिर एक मौका यहाँ पर देते और सही बात यहाँ पर जरूर दिया लेकिन दो दो तीन डिफेंडर बबलू मुंडा जी सुबह कच्चा जी और हमारे महासचिव अशोक ग्रह जी से मेरा आग्रह है कि अंग वस्त्र वेद तैनाकर और मेमेंटो अंजनी सिंह जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए भाई। अच्छा ललित हेलो राजू भैया आ जाएंगे
सभी हम लोग अपने अपने स्थान में ग्रहण करेंगे। श्रीकांत बिल्कुल सही पोजीशन की, यहाँ पर अच्छा पास मिला है लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या मौका हो सकता है यहाँ पर, पीछे किया है, रिटर्न किया है, सुंदर क्रॉस किया, बॉल रोहित के सामने, माफ कीजिएगा उपेंद्र हजाम ने बहुत अच्छी की, बहुत अच्छा मौका मिला था सुमित को, रिटर्निंग आई थी बॉल, अच्छा बचा वहाँ पर पॉन का गोलकीपर, क्लिक किया है गेंद को उपेंद्र हजाम ने, यहाँ पर मौका हो सकता है सुमित के लिए, सीधे गोलकीपर के लाइन में मार बैठे, सभी बैठेंगे हम लोग जो जैसे हैं उस स्थिति में सहयोग करेंगे। अभी तो तीन काम है कि आज मारंगों के जयपाल की भूमिका भी आज ये झारखंड आंदोलनकारी है, इन्होंने ही 1949 ईस्वी से झारखंड अलग राज्य के आंदोलन का शुरुआत इन्होंने ही किया। आपको बता देना चाहते हैं यहाँ कुछ साथी प्रेजेंट हैं वो जानते हैं कि एक समय में ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम को हगना गढ़ा बना दिया था। साथी बैठे नियंत्रण का ब्रेक के बीच किया गया, उनको पता हुआ हुआ हम लोग का जो पुस्तक है आज ये स्मारिका का लोकार्पण है कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, सम्मानित किया जाएगा सम्मान पत्र देकर। खंडित जी आप आ जाइए, एक फ्री किक यहाँ पर मिला है और फ्री किक लेते हुए अच्छा पास यहाँ पर सुमित के लिए, एक मौका यहाँ पर सुमित के पास और इस मौके को बिल्कुल सही तरीके से तीसरा गोल बहुत अच्छा पास यहाँ पर मौका था लेकिन गेंद ऊंचाई को काफी ज्यादा कर दिया गोल बाहर। और इसी के साथ यहाँ पर अपने मैच की समाप्ति हुई, आदिवासी क्लब 15 की टीम ने 3-0 से ये मैच जीत लिया और अगले दौर में प्रवेश कर लिया।